हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ क्लास वन। ओके, लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और क्लास लिखा हुआ है इधर, और टॉपिक क्या है इसका। टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 8, दैट इज फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड एंड शेल्टर। फूड का मतलब आप लोग जानते हैं, खाना होता है, फूड का मतलब खाना, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय स्थल, निवास स्थल। उसके बारे में, एनिमल्स के फूड और शेल्टर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले शुरुआत करते हैं फूड फॉर एनिमल्स। फूड से हम लोग शुरुआत करते हैं। यू नो वेरी वेल, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, अलग अलग जानवर जो होते हैं अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग फूड से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग शेल्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, चैप्टर सेवन क्या था, एनिमल्स वर्ल्ड था। एनिमल्स, जानवरों की दुनिया के बारे में आप लोगों को बताया गया था। कुछ जानवर बड़े होते हैं, कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में और ज़मीन पर, दोनों जगह पे रहते हैं। तो बर्ड्स के बारे में बताया गया था, इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया था। आज हम लोग जानेंगे तरह तरह के जानवर का फूड क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लांट्स ईटिंग एनिमल के बारे में। प्लांट्स का मतलब आप लोग जानते हैं पौधे। तो वैसे एनिमल्स, वैसे जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स मतलब पौधे तो होते ही हैं, ग्रास भी क्या है, वो भी प्लांट है। ठीक है, तो वैसे जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप लोग बता सकते हैं, लिखिए। जो बच्चे देख रहे हैं वो टाइप कीजिए, उसमें लिखिए। देखो तो आया है, क्या प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, आप लोगों को नेम लिख बताना है कौन कौन से जानवर प्लांट्स खाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग काऊ को देखे ही होंगे, जा मैंने तो लगाया ही नहीं। काऊ देखे हैं आप लोग, काऊ क्या खाती है, गोट देखे हैं, गोट, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट। ठीक है, बफेलो, दीज आर प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। ये सब जानवर जो होते हैं ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। एनिमल, एलिफेंट तो पौधे को उखाड़ करके, केला का
जो पौधा होता है बनाना प्लांट को उखाड़ के पूरा खा जाता है, उसका तना वगैरह सब खा जाता है, और सूंड से बड़े बड़े पेड़ का पत्ता टहनी ये सब तोड़ करके वो सब खा जाता है। जिराफ भी जो होता है वो अपने लंबे गर्दन की मदद से ऊंचे ऊंचे पेड़ का ऊपरी ऊपरी हिस्सा को भी खा जाता है, उसका कोमल टहनी ये सब जो होता है और पत्ता सब जो होता है वो सबको खा जाता है। और काऊ को तो देखे ही आप लोग ग्रास खाते हुए, गोट को भी देखे हैं घास खाते हुए देखे हैं आप लोग। डियर भी होगा, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स ही सिर्फ खाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। और दूसरा ग्रेन्स एंड फ्रूट्स ईटिंग एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि ग्रेन्स खाते हैं, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता अनाज, दाना जो होता है, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स ईटिंग एनिमल्स। तो कौन कौन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रेन्स और फ्रूट्स खाते हैं? तो आप लोग स्क्विरल देखे होंगे, स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी, गिलहरी को देखे होंगे, ठीक है, फ्रूट्स भी खाती है और ग्रेन्स भी खाती है। और आप लोग पैरट देखे हैं, पैरट फ्रूट्स खाता है, बड़े मजे से खाता है फ्रूट्स। और हेन भी देखे होंगे आप लोग, मुर्गी देखे होंगे जो कि ग्रेन्स को भी और फ्रूट्स को भी खाती है, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो जानवर है क्या है, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रेन्स तो और भी बहुत सारी बर्ड्स होती है वो भी खाती है ग्रेन्स, जैसे क्रो, क्रो को भी देखते होंगे ग्रेन्स खा लेता है करके, वो अनाज फैला हुआ रहता, तो आप लोग कबूतर को भी देखते हैं, कबूतर भी आ जाता है, मैना आ जाती है। तो ये सब क्या है, ग्रेन्स और फ्रूट्स ये सब खाते हैं, ठीक है। क्रो दोनों चीज़ खाता है, ग्रेन्स भी खा लेता है और वो फ्लैश भी खाता है, जानवरों का मांस भी खाता है, मतलब आप लोग देखते होंगे अर्थवर्म को भी उठा के खा लेता है और चूहे को भी पकड़ के खा लेता है, कॉकरोच ये सबको भी खा लेता है। अब हम लोग आते हैं इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स ईटिंग एनिमल्स। जानवर ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाते हैं, ठीक है। वर्म्स का मतलब होता है पिल्लू, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो कौन 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 से ऐसे जानवर होते हैं जो इंसेक्ट्स और वर्म्स खाते हैं, तो एनिमल्स का नेम लिखना है इसमें, क्या क्या लिखिएगा आप लोग, लिजार्ड, लिजार्ड देखे होंगे आप लोग घरों में, छिपकली देखते हैं, छिपकली कैसे दबे पांव एकदम हमला करती है कॉकरोच पर, कॉकरोच को पकड़ के खाती है, या फिर जो मक्खी वक्खी जो रहता है दीवार पर या स्पाइडर रहता है उसको भी पकड़ के खा जाती है, ठीक है। अब फ्रॉग देखे होंगे, मेढक, फ्रॉग यानी मेंढक, वो भी इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाता है, ठीक है। और बर्ड्स को भी देखे होंगे, कुछ बर्ड्स भी होती है जो कि इंसेक्ट्स को खाती है, ठीक है, इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाती है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं, दूर आवाज आ रही है, दिखा तो, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स पर, फ्लैश ईटिंग
animals. फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, फ्लेश का मतलब FLESH, फ्लेश का मतलब क्या होता है? फ्लेश का मतलब होता है मांस, ठीक है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। उनके सामने आप कितने भी अच्छा अच्छा फ्रूट्स रख दीजिए, भोजन पका के रख दीजिए तरह तरह का, तो वो सब चीज़ वो नहीं खाता है। वो क्या खाता है? सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाता है। कौन कौन सा जानवर ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल देखें, मगरमच्छ, लायन का मतलब क्या होता है? शेर, सब जानता है। टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, स्नेक, दीज आर इंसेक्ट्स ईटिंग, सॉरी दीज आर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। दीज आर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। फ्लेश का मतलब क्या होता है? फ्लेश का मतलब होता है मांस। तो जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाता है उन्हें कहा जाता है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है बच्चों, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। अब हम लोग आते हैं बोथ प्लांट एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स पर। बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स का मतलब वैसे जानवर जो दोनों चीज खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बियर। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। क्या है ये? दोनों चीज खाता है, प्लांट्स भी खाता है, मतलब कि पौधा सबको उखाड़ करके उसका जड़ भी खा जाता है, फल भी खा जाता है और फ्लेश भी खाता है, जैसे मछली को पकड़ के खाता है, छोटे छोटे जानवरों को मार के खाता है और शहद लगा हुआ रहता है, ये शहद भी खा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बियर, बियर हो गया। और उसके बाद क्रो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्रो जो होता है वो दोनों चीज खाता है, वो फ्लेश भी खाता है, दूसरे जानवरों को भी खाता है, इंसेक्ट्स को भी खा जाता है, ठीक है बच्चों, और फ्रूट्स भी खा लेता है, रोटी भी खाता है, ग्रेन्स भी खाता है ना। मैन भी होगा इसमें, रैट होगा, रैट, फिर कैट, डॉग, एक्सेट्रा। डॉग को भी आप लोग देखे होंगे, दूध रोटी भी खाता है और बिस्किट भी खाता है और फ्लेश भी खाता है, बोन्स भी चबाता है, हड्डी भी चबाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब है फूड ऑफ प्लांट एनिमल्स, फूड ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग क्या जाने हैं? सबसे पहले जाने हैं प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, लाइक काउ, गोट, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, बफेलो, एटसेट्रा। ओके, नाउ सेकेंड इज ग्रेन्स एंड फ्रूट्स ईटिंग एनिमल्स।
animals that eat grains and fruits are called grains and fruits eating animals, like squirrel, parrot, hen. Okay. Third point, insects and worms eating animals. Some animals eat insects and worms. तो जो जो जानवर insects और worms खाते हैं उनका क्या नाम है? Lizard. Lizard मतलब छिपकली, LIZARD. Lizard का मतलब क्या होता है? छिपकली. Frog मतलब मेंढक, और birds. ठीक है बच्चों? उसके बाद है flesh eating animals. Flesh का मतलब होता है मांस. तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. ठीक है बच्चों? एनिमल्स, सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. कौन कौन से एनिमल होते हैं जो दूसरे जानवर का मांस खाते हैं? क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर, उल्फ, फॉक्स, स्नेक, वल्चर, ईगल, ये सब भी होगा उसमें. आउल ये भी होगा, बहुत सारा है. अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीज़ खाते हैं. दोनों मतलब कि प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. तो कौन कौन सा उसमें होगा एनिमल्स? बियर, क्रो, मैन. मैन मैन मतलब मनुष्य. मनुष्य भी दोनों चीज़ खाता है ना, दोनों चीज़. चिकन, फिश, मटन भी खाते हो आप लोग, और प्लांट्स भी खा, प्लांट्स मतलब प्लांट से जो फूड हमें प्राप्त होता है वो हम लोग खाते हैं, है ना. सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहाँ से हमें मिलता है? सब हमें प्लांट से मिलता है. ठीक है. और इसमें रैट भी होता है जो दोनों चीज़ खाता है. कैट, रैट, कैट, डॉग, ये सब सब क्या है? बोथ ईटिंग एनिमल्स है. मतलब दोनों चीज़ ये लोग खाता है. प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है. ठीक है बच्चों? तो फूड आप लोग समझ गए. अब हम लोग जानेंगे शेल्टर. शेल्टर का मतलब होता है आश्रय स्थल, निवास स्थल. जानवर कहाँ पे रहते हैं? वेयर डू एनिमल्स लिव? SHELTER, shelter. Shelter. तो बच्चों शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है आश्रय स्थल. रहने का जगह. ठीक है बच्चों? आश्रय स्थल या रहने का जगह. तो बच्चों घर की आवश्यकता क्यों होती है? Why do animals need home? एनिमल्स को होम्स की यानी कि घरों की आवश्यकता क्यों होती है? तो जिस बच्चों जिस प्रकार से हमें घरों की आवश्यकता होती है ना, खुद को सर्दी, पानी, गर्मी,
धूल ये सबसे बचाने के लिए होती है। उसी प्रकार से एनिमल्स को भी डिफरेंट वेदर्स से, मतलब तरह तरह के मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरे एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए घड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को जिसको हम लोग अपने साथ रखते हैं, उनको कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो डोमेस्टिक एनिमल्स का घर जो भी उसके पालते हैं उसे पालते हैं वो उन्हें घर बना करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि काऊ को पालते हैं, है ना, काऊ को पालते हैं, उसका दूध निकाल करके उसका बिजनेस करते हैं, मतलब कि उससे उसे फायदा मिल रहा है काऊ से या बफेलो से या फिर गोट से। तो ये सब एनिमल्स को, एनिमल्स एनिमल्स दैट आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इन जानवरों को, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको पाला जाता है। ठीक है बच्चों, और जो उन्हें पालते हैं उनके लिए घर बनाते हैं, उनके रहने का जगह बनाते हैं, रहने का जगह बनाते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं और उनके साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स आप लोग समझ गए। और लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हमारे आसपास में, हमारे साथ में नहीं रहते हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, वो अपने नेचर में, अपने प्रकृति में, अपने जो निवास स्थल में वो फ्री हो करके घूमते हैं, वो किसी के अंडर में या किसी के पालने से वो जानवर, उनको पालतू नहीं बनाया जा सकता। उन्हें कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर। तो जंगली जानवर जो होते हैं वो कैसे भोजन अपना खोजते हैं, तो वो अपना भोजन खुद खोजते हैं। ठीक है, भोजन खोजते हैं और पानी का स्रोत भी, वाटर सोर्स भी खोजते हैं, जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ ढूंढते रहते हैं पानी कहाँ मिलेगा और भोजन कहाँ मिलेगा। मतलब कि वो जंगली जानवर जो होते हैं वो ह्यूमन केयर में नहीं रहते, मतलब मनुष्यों की देखरेख में नहीं रहते। ठीक है बच्चों, तो कुछ जंगली जानवर जो होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, घर मिट्टी को खोद करके, बिल बिल होल, या फिर जैसे बर्ड्स अपना नेस्ट खुद बनाती है, उसी प्रकार से कुछ जानवर जो होते हैं वो अपना होम बनाते हैं, और कुछ जानवर जो होते हैं वो किसी सेफ प्लेस को ढूंढ करके उसमें रहने लगते हैं, और कुछ जानवर जो होते हैं वो उनका कोई जो पक्का निवास स्थल जो है वो नहीं होता है, वो जंगल में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और जहाँ पर रात हो जाती है जिस जगह पर वहीं पर रुक जाते हैं, किसी बड़े पेड़ के नीचे रात में रुक जाते हैं और फिर उसके बाद सुबह सुबह फिर झुंड के साथ दूसरे जगह भोजन पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग इसी इन्हीं सब जानवरों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, मतलब वैसे जानवर जिनको कि हम लोग अपने साथ रखते हैं। ठीक है, उनका घर क्या क्या होता है। होम्स ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, बच्चों आप लोग काऊ को देखे होंगे। पहले हम लोग डॉग से शुरू करते हैं। डॉग के लिए जो घर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है केनेल। ठीक है, केनेल। उसके बाद काऊ के होम को क्या कहा जाता है, काऊ शेड। काऊ शेड और हॉर्स के होम को
stable, the home of horse is stable, ठीक है, और पीक के होम को क्या कहा जाता है, स्टाय, STY स्टाय, STY स्टाय, और फिश आर के तीन एंड एक्वेरियम। तो बच्चों आप लोग जरूर देखे होंगे बहुत जगह एक्वेरियम में फिश लगा रखा रहता है, बहुत सारे लोग अपने घरों में सजा के रखते हैं एक्वेरियम। ये सब क्या है, ये सब पेट एनिमल्स हैं, ये सब पेट एनिमल्स हैं, पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, और इनके लिए मनुष्य घर बना करके इनको रखते हैं, इनके खाने का और इनके पानी का, इनके साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, ठीक है बच्चों। डॉग क्या है, पेट एनिमल है, और उसका जो घर बनाया जाता है उसे कहा जाता है केनल, छोटा सा हाउस होता है, छोटा सा होम केनल। उसके बाद काउ, काउ के घर को कहा जाता है काउ शेड, और जो भी व्यक्ति काउ को पालते हैं काउ शेड को साफ सफाई उसका हमेशा करते रहते हैं और उसके खाने का और पानी का व्यवस्था करते हैं, ठीक है। फिर हॉर्स के घर को कहा जाता है स्टेबल, एक लाइन से बहुत सारा हॉर्स रखा जाता है उसमें। पिग के घर को कहा जाता है स्टाय, ठीक है, और फिश, फिश के घर को कहा जाता है एक्वेरियम। वैसे तो फिश का नेचुरल हैबिटेट जो है, फिश का जो प्राकृतिक निवास स्थल है वो है वाटर, ठीक है, वाटर है, लेकिन बहुत लोग फिश को पालते हैं तो कैसे रखते हैं अपने घरों में, एक्वेरियम में। एक्वेरियम का मतलब होता है शीशे का, कांच का जो बॉक्स बना हुआ होता है उसमें पानी रहता है, उसे कहा जाता है एक्वेरियम, ठीक है। तो एक्वेरियम की भी साफ सफाई की जाती है, कैसे साफ सफाई की जाती है, इसके अंदर में जो फिश रहता है, एक्वेरियम में जो फिश होता है उसको निकाल करके किसी छोटे से बॉल में, दूसरे बर्तन में उनको पानी भर के उसमें रख दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद एक्वेरियम में जो पानी रहता है उसको वहाँ पर वाल्व बना हुआ रहता है, वाल्व खोल करके सब पानी निकाल दिया जाता है, उसको साफ करके एक्वेरियम को फिर से तब फ्रेश पानी भर के तब उसमें फिश को डाल दिया जाता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को जो भी व्यक्ति पालते हैं उनके साफ सफाई का और उनके भोजन का खास ख्याल रखते हैं। मछली को भी खाना दिया जाता है, फिश का अलग फूड आता है, उसका पैकेट मिलता है, या नहीं तो आटे की छोटी छोटी गोली बना करके फिश को दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। तो शेल्टर में आज हम लोग जाने हैं होम्स ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। अब कल हम लोग, कल के क्लास में हम लोग जानेंगे होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जंगली जानवरों का जो घर होता है उनके बारे में हम लोग कल के क्लास में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 17 सितंबर से शुरू है। आप लोग का सिलेबस पता है कि क्या है, सिलेबस है चैप्टर 1, 2 एंड 3। ये तीनों चैप्टर को खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए, सारा क्वेश्चन आंसर इसका देख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग सब लोग प्रिपेयर किए ही होंगे, तैयारी कर लिए होंगे, और जब भी डेट आएगा आप लोगों को दिया जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा रूटीन, तो देख लीजिएगा और उसके बाद तो फिर एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज का होमवर्क मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों के ग्रुप में डाल दूँगी। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।